नमस्ते किसान भाइयों, मैं बाला साहेब मराड़े, मराड़े ड्रमस्टिक फार्म में आपका स्वागत है। और मैं पिछले 21 साल से ड्रमस्टिक की खेती कर रहा हूँ, जिसे मराठी में शोगा बोलते हैं, हिंदी में जो है मोरिंगा बोलते हैं, ड्रमस्टिक बोलते हैं, सैजन बोलते हैं, इसकी खेती कर रहा हूँ। और मेरा जो गाँव है वो महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट में सिन्नर तहसील में शाह गाँव है। और पिछले 21 साल से मैं यहाँ ड्रमस्टिक की फार्मिंग कर रहा हूँ, उसका रिसर्च भी कर रहा हूँ। ड्रमस्टिक की जो रोहितवन वैरायटी है, जो इंडिया में सबसे फेमस वैरायटी है, उसका रिसर्च मैंने किया और इस फार्म से ही हुआ है। तो मराठी ड्रमस्टिक फार्म ये जो यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे किसान भाई उसे देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे किसान भाई की डिमांड थी कि ड्रमस्टिक की जो मराठी में आप जानकारी देते हो तो हिंदी में उसकी जानकारी दे दो, हिंदी में वीडियो बनाओ। तो इसकी मांग ध्यान में रखते हुए आज मैं इसकी हिंदी में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो किसान भाइयों, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मेरा रोहित वरन का फार्म है और 6 साल का है। और अभी उसके जो फोलिए स्टार्ट हुई है, और इसका यहाँ से हम उसकी जानकारी लेते हैं। तो किसान भाइयों, ड्रमस्टिक को जो है अलग अलग इंडिया में सभी जगह में इसकी खेती की जाती सकती है। और आज हम जिस भी विषय पर उसकी जानकारी लेंगे, तो वो जो विषय है वो है ड्रमस्टिक को कब और कैसे लगाएं। तो पहले उसके नाम, इंडिया के जो नाम फेमस है उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसके जो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के जो नाम है उसकी जानकारी लेते हैं। तो महाराष्ट्र में उसे शोगा बोलते हैं, हिंदी में सैजन बोलते हैं, सैजना बोलते हैं, गुजराती में तो सारेगाव बोलते हैं, इंग्लिश में उसे ड्रमस्टिक से जाना जाता है। साउथ इंडियन की जो स्टेट है वहाँ मोरिंगा बोलते हैं, तो ये अलग अलग नाम है। और वर्ल्ड में जो उसे जाना जाता है, वो विदेश में जो जाना जाता है उसे ड्रमस्टिक और मोरिंगा दोनों नाम से जाना जाता है। तो आज हमें ये जानकारी थी, तो उसे कब और कैसे लगाए। तो उसका जो लगाने का समय होता है, तो साल भर में 4 टाइम आप उसका प्लांटेशन कर सकते हैं। तो स्टार्ट में उसके जून से लेकर फरवरी के बीच में आप उसे लगा सकते हैं, जून जुलाई में लगा सकते हैं, ये पहला स्टेप हुआ। अगस्त सितंबर में लगवा सकते हैं, वो दूसरा स्टेप हुआ। और अक्टूबर नवंबर में लगवा सकते हैं, वो तीसरा स्टेप है। और जनवरी फरवरी में लगवा सकते हैं, चौथा स्टेप। यानी सालाना आप बोलेंगे, साल में रहते से जून से लेकर फरवरी के बीच में आप कभी भी उसे लगवा सकते हैं। अब कैसे लगाना है, उसके लिए मिट्टी कैसे चाहिए, हर प्रकार की मिट्टी में वो सक्सेसफुल मिलता है। जैसे काली मिट्टी है, रेड मिट्टी है, पथरीली मिट्टी है। सिर्फ ये कि है ये सोचना है कि उससे पानी झड़ना चाहिए। जैसे बारिश होती है, बारिश के समय में उस प्लॉट पर या उस खेती में पानी रुक कर नहीं रहना चाहिए। 1-2 दिन में रुकेगा तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा पानी उसे सहन नहीं होता। इसकी वजह से जो पानी की निचरा करने वाली है, पानी झड़ने वाली मिट्टी है, तो उसके सहजन के प्लांटेशन के लिए अच्छी होती है। सहजन कम पानी में अच्छी क्वालिटी देता है, अच्छा फ्रूट देता है। तो ये होगी उसके मिट्टी के बारे में, यानी ज़मीन के बारे में। तो आप उसे कित डिस्टेंस पर लगाए, तो अब हम देख रहे हैं वो जो है वो 10x6 का प्लॉट है। तो आप दो पेड़ों में जो है, दो लाइन में जो है 6 फुट का डिस्टेंस रख सकते हैं, दो लाइन में 10 फुट का डिस्टेंस और दो पेड़ों में 6 फुट का। तो 10x6 में प्लांटेशन करते थे, पर एकड़ में 700 पौधे बैठते हैं। और दूसरा एक तरीका है कि दो 12x6 में प्लांटेशन करते हैं, तो पर एकड़ में 600 पौधे बैठते हैं। तो किसान भाई, इस प्रकार से आप इसे लगा सकते हैं। और दूसरी बात है कि पर पेड़ में जो है, लगाने के बाद जो है पर पेड़ में जो रोहितवन वैरायटी है, ये उसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। तो रोहितवन वैरायटी जो है पर पेड़ में पहले 6 महीने में जो है हर पेड़ से 10 kg या 15 kg का प्रोडक्शन मिलता है। तो अभी जो है हम इस प्लॉट को थोड़े से देख कर जाएंगे, और आगे की जो रोहितवन की क्या विशेषता है इसके बारे में। ये जो आप देख रहे हैं, ये मराड़ी शोगा फार्म का एक 6 साल का रोहितवन वैरायटी का ये प्लांटेशन है। और हर साल में इसे पर पेड़ से जो है 35 या 40 kg का प्रोडक्शन मिलता है। और आप देख रहे हैं कि उसकी अच्छी ग्रोथ हुई है, और अच्छा उसे देखते चलो। ये फार्म है, आप देख रहे हैं मराड़े ड्रमस्टिक फार्म में रोहितवन वैरायटी का ये फार्म है। अभी सीज़न अभी तो सितंबर है, उसका जो सीज़न स्टार्ट होगा वो नवंबर में स्टार्ट होगा, अभी थोड़ा सा फूल निकल रहे हैं। कौन सी वैरायटी लगवानी चाहिए,
तो जो हमने मराड़ी ड्रमस्टिक फार्म में जो रिसर्च की हुई वरायटी है वो रोहित वन वरायटी है और काफ़ी फेमस वरायटी, इसकी क्या विशेषता है हम जानते हैं। अभी हमने जो फार्म देख रहे हैं वो 2 महीने का हुआ है, रोहित वन वरायटी का है। तो रोहित वन वरायटी की ये विशेषता है कि वो लगाने के बाद 6 महीने में स्टार्ट होती है। जब आप पौधे लगाते हैं तो 6 महीने में स्टार्ट होती है और सालाना 2 क्रॉप उसे मिलते हैं। जैसे नवंबर से पहला सीजन होता है, नवंबर से लेकर फरवरी तक एक सीज़न होता है और मार्च से लेकर 2 जून तक दूसरा सीज़न होता है। तीसरी एक विशेषता है कि ये एक्सपर्ट क्वालिटी की फली मिलती है, जिसकी इसकी लंबाई आप देखेंगे तो मीडियम साइज की लंबाई है, 45 से 60 सेंटीमीटर, 1.5 से 2 फुट के दरमियान उसकी फली की लंबाई होती है। जैसे अभी भी 6 महीने में ही स्टार्ट होते हैं और पहले 6 महीने में से कम 10 से 15 kg का प्रोडक्शन मिलता है। अगले साल में दूसरे जो क्रॉप आता है तो 2 सीज़न मिलते हैं, उसमें से जो है हर सीज़न में 15 से 20 kg का प्रोडक्शन मिलता है। इसकी तीसरी विशेषता ये है कि वो लंबी समय तक चलती है, नहीं आप पौधे लगाते हैं तो उसके बाद 10 साल तक उसका कमर्शियली प्रोडक्शन मिलता है। और तब तो ये कि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है, हम पिछले 15 साल से इसे यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे किसान ये पूछते हैं कि भाई रोहित वन जो वरायटी है वो एक्सपोर्ट हो सकती है क्या, कि रोहित वन की विशेषता है कि एक्सपोर्ट के लिए ही वरायटी बनी है, वो लोकल भी चलती है, लोकल मार्केट में आप यानी इंडियन मार्केट में उसे बेच सकते हैं और उसमें ऐसे गुण हैं कि जिस गुण की वजह से वो एक्सपोर्ट में होती है। तीसरी विशेषता इसकी ये है कि लगाने के बाद वो बहुत कम पानी में भी आती है। आपके पास अच्छा पानी हो तो आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन कम पानी में भी आती है। और सबसे ज़्यादा है कि उसके जो पेड़ है बहुत बड़े पेड़ नहीं होते, छोटे ही पेड़ रहते हैं और छोटे पेड़ों में फली निकलने में दिक्कत नहीं होती है। इस प्रकार रोहित वन की विशेषता है और उसे लगाने में जो है लगाने में के बाद वो 10 साल तक चलती है, तो ये रोहित वन की विशेषता है। बहुत सारे किसान ये भी पूछते हैं कि भाई आपकी जो रोहित वन वरायटी है वो और पीकेएम वन वरायटी में क्या डिस्टेंस है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि रोहित वन जो वरायटी है और पीकेएम में बहुत सारा डिस्टेंस है, डिफरेंस है। वो ऐसे कि पीकेएम एक जो वरायटी है वो बहुत पुरानी वरायटी है और उसकी जो फली की लंबाई वो 60 से 70 सेंटीमीटर है, वो एक ही बार सीज़न देती है, एक ही बार क्रॉप देती है, उसकी फलाई थोड़ी सी लंबी होती है और 4 से 5 साल तक उसकी फली मिलती है। और उसका अलावा रोहित वन देखेंगे यानी पीकेएम की और एक जानकारी की उसे साल में जो फ्रूट मिलते हैं वो 200 से 250 के बीच में ही फ्रूट मिलते हैं। और रोहित वन की ये विशेषता यह है कि वो लगाने के बाद जो है 2 क्रॉप देती है। इंडिया में ऐसी 2 वरायटी है कि रोहित वन ऐसी वरायटी है और पीकेएम दो, ये दोनों ही ऐसी वरायटी कि वो लगाने के बाद जो है 2 क्रॉप देती है। दूसरी विशेषता ये है कि वो 10 साल तक चलती है, एक्सपोर्ट की क्वालिटी है, ऐसे बहुत बड़ा डिफरेंस है। और उसके फ्रूट की जो 2 क्रॉप करके लिए फ्रूट की क्वांटिटी निकालेंगे तो 400 से 600 के दरमियान हर सालाना रोहित वन से फ्रूट मिलता है। तो दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है, इसलिए रोहित वन जो वरायटी है ये इंडिया की सबसे टॉप की वरायटी है। इसका रिसर्च का काम मैंने 2000 में शुरू किया था, 2005 में उसका रिसर्च का काम कंप्लीट हुआ और 2010 में जब इस वरायटी को रिलीज किया है किसानों के लगाने के लिए, तो काफ़ी किसान उसकी खेती करे और एक्सपोर्ट भी करे है। और दूसरी एक जानकारी मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि 2010 से जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी उन्होंने इस पर ये रोहित वन पर ट्रायल किया था और रिकमेंडेशन किया है कि किसानों के लिए लगाने के लिए, एक्सपोर्ट के लिए और लोकल के लिए इंडिया की सबसे टॉप की वरायटी है। तो महाराष्ट्र में काफ़ी किसान इसकी खेती करे। यदि आपको खेती करना है और जानकारी चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि जिन किसानों को ड्रमस्टिक की खेती करना है तो वही हमारे पास संपर्क करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं कि जो सिर्फ जानकारी लेते और बाद में उसका कोई प्लांटेशन वगैरह करते, इसमें क्या होता है कि हमारा जो समय है वो यूज़ नहीं होता, अच्छी तरह से यूज़ नहीं होता। तो आप जिनको करना है वही हमें संपर्क करो, को जिताते हैं, और जिनका ड्रमस्टिक का फार्मिंग करना तय नहीं है वो अभी संपर्क करना करें, आप जब तय होगा तब आप संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज का जो ये वीडियो था तो ड्रमस्टिक का कब और कैसे लगे इसके बारे में हमने जानकारी ली है, आगे की जानकारी भी लेते रहेंगे। आपने ये मराठी ड्रमस्टिक फार्म को जो चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए,
ड्रमस्टिक के जो रोहितवन की वैरायटी है उसके पौधे हमारे पास मिलते हैं। आपको पहले बुकिंग करना पड़ेगा, ऑर्डर करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको पौधे मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अर्जेंट किसानों भाई को ग्रुप से लगवाना करते हैं, कई किसान भाई ऐसे है कि ग्रुप बना कर लगाते हैं, एक ही गाँव के चार पाँच जो किसान होते हैं वो एक ही साथ में समय में ग्रुप बनाते हैं और एक ग्रुप से फार्मिंग करते हैं। तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है ड्रमस्टिक लगाने का, जिसमें एक ही क्वालिटी मेंटेन होती है, क्वांटिटी भी मेंटेन होती है और दूर का मार्केटिंग करना आसान होता है। बहुत सारे किसान पूछते हैं कि ड्रमस्टिक लगवाने के बाद उसका मार्केट का है और वहाँ कितना रेट मिलता है। तो किसान भाइयों, हमारा इंडिया के हर जिला यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो सब्जी का मार्केट है, उस मार्केट में आप उसके बेच सकते हैं। आपका बहुत बड़ा ग्रुप है तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हर जिला की जो सब्जी का मार्केट में यहाँ ड्रमस्टिक की फूली को बेचा जाता है। साल में एवरेजली रेट बोलेंगे तो 35-40 रुपए के जी का रेट मिलता है, कम से कम 20 रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा 80-100 रुपए तक के जी का रेट मिलते हैं। यदि आप एक्सपोर्ट में करते हैं तो एक्सपोर्ट में और ज़्यादा रेट मिलते हैं। तो इसमें लगाने का जो नफा है वो कितना मिलता है, एग्जाम्पल पहले 6 महीने में हर पेड़ को 10-15 kg का प्रोडक्शन मिलता है, कम से कम 30-40 रुपये रेट पकड़ते थे, 1.5-2 लाख रुपये हो जाते। अगले सीजन में 2 क्रॉप मिलेंगे आपको, दो क्रॉप से जो बोलेंगे आप कम से कम 10 kg का भी प्रोडक्शन मिलेगा। तो सालों पर पेड़ से जो है 20 kg का प्रोडक्शन मिलेगा और एक एकड़ में 700 पौधे आप करेंगे तो 13-14 टन का प्रोडक्शन हो जाएगा। यानी दूसरे साल में आपको 2.5 लाख से 3 लाख से 4 लाख तक उसका प्रॉफिट मिलता है। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको इस वीडियो में ड्रमस्टिक कब और कैसे लगाने का जो जानकारी है वो देने का प्रयास किया है। आप इस मराठी ड्रमस्टिक फार्म जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो और जिन किसानों को ड्रमस्टिक की खेती यानी मोरिंगा सहजन की खेती करना है, उसके पौधे लेने हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एडवांस भर के बुकिंग कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।